Redmi किल करने वाला है सारे स्मार्टफोन ब्रांड को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi के Note 12 सीरीज के बारे में। और भाई इसकी कंपटीशन में Realme ने ऑलरेडी Re10 सीरीज को लॉन्च कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं कर्व डिस्प्ले के साथ में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला स्मार्टफोन था, Realme का 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। लेकिन भाई क्या इससे अच्छे Redmi के Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन होने वाले हैं? Redmi Note 12 Pro और 12 Pro Plus के बारे में स्पेशली इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, स्पेशली इंडियन वेरिएंट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में क्या कुछ रहने वाला है, किस प्राइसिंग के ऊपर इंडिया के अंदर आएगा वो सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। और भाई क्या ये स्मार्टफोन किल करने वाले हैं बाकी स्मार्टफोन ब्रांड को, वो सारी चीजें जानेंगे, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। हे गाइस, मैं हूं सोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। अब देखो भाई, Redmi की Note 12 सीरीज आपको 5th ऑफ जनवरी को देखने को मिलेगी, यानी 2023 के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, जहां पर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Redmi का Note 12, Redmi का Note 12 Pro और Redmi का Note 12 Pro Plus। जहां पर वीडियो को स्टार्ट करके इन दोनों फोन के बिल्ट लुक और डिजाइन के बारे में बात करना चाहेंगे, तो जो Redmi का Note 12 Pro होगा ना, यहां पर आपको फ्लैट एजेस देखने को मिल जाएंगे, आपको बॉक्सी कॉर्नर देखने को मिल जाएगा, आपको ग्लास बेल्ट के साथ ही दोनों फोन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रो प्लस वेरिएंट होगा ना, वो बैक से थोड़े कर्व एजेस के साथ देखने को मिलेगा, बाकी आपको लुक वाइज दोनों ही फोन कमाल के देखने को मिलेंगे। हां, 12 Pro Plus थोड़ा सा प्रीमियम लगता है लुक वाइज, 3 से 4 कलर ऑप्शन आपको दोनों ही फोन के साथ देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट जैसे कलर ऑप्शन। साथ में जो 12 Pro होगा ना, वहां पर आपको एक स्पार्कल कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके का, बाकी आपको बेल्ट वाइज दोनों ही फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं Realme के 10 Pro से एक बेटर ऑप्शन होने वाले हैं 10 Pro Plus से। बाकी अगर बात करें दोनों फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो सेंटर में पंच होल कटआउट होगा, फ्लैट स्क्रीन होगी, यहां पर कोई भी कर्व एजेस नहीं देखने को मिलेगा इन दोनों फोन के साथ में। लेकिन दोनों फोन की जो डिस्प्ले होगी वो एक्जैक्टली सेम होगी, 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन का सपोर्ट होगा, OLED पैनल रहने वाली है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले होने वाली है ना, वो 10 बिट पैनल के साथ देखने को मिलने वाली है, तो कलर्स भी आपको कमाल के देखने को मिलेंगे, 900 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन होगा, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो जो डिस्प्ले होने वाला है इन फोन्स का, वो कमाल का रहने वाला है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन भाई बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि इंडियन वेरिएंट में क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा? नहीं, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा Redmi के Note 12 Pro और Pro Plus दोनों ही वेरिएंट के साथ में। परफॉर्मेंस आपको इन दोनों फोन में एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगी, बिकॉज दोनों फोन में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा, आपको DDR4 RAM मिलेगी, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगी, सॉफ्टवेयर आपको Android 12 के साथ ही फोन मिलेंगे और बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने के अंदर आपको Android 13 का भी अपडेट मिल जाएगा। लेकिन भाई यहां पर आपको MIUI 13 देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर वाइज मैं बोलूंगा ये फोन अच्छे रहने वाले हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है, बट Android 13 के साथ में आते ना तो ज्यादा अच्छी बात हुई होती, जैसे कि Realme ने अपने 10 सीरीज के अंदर करी है। तो परफॉर्मेंस वाइज Realme के 10 सीरीज से तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन 10 Pro Plus से इक्वल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस के बाद में बैटरी सेक्शन को लेकर, तो आपको दोनों ही फोन के साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और भाई Redmi के Note 12 Pro के साथ में आपको मिलता है 67W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो भाई यहां पर जो Redmi का Note 12 Pro Plus होगा ना, वहां पर 120W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज है। हालांकि Xiaomi ने लास्ट ईयर Xiaomi 11i HyperCharge के साथ ही ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी दे दी थी, बट अभी Redmi की Note सीरीज के अंदर मिल रहा है, जो कि काफी किलर चीज हो जाती है। फोन के कैमरास की बात करें तो भाई यहां पर रॉकिंग रहने वाले हैं ये फोन्स, और मुझे लगता है ना कि Realme ने जो अपने 9 सीरीज के साथ में Realme 9 Pro Plus के साथ करा था ना, वो 12 सीरीज के साथ में Redmi ने कर दिया है। जी हां गाइस, अब Redmi के Note 12 Pro में आपको देखने को मिलेगा 50 megapixel का प्राइमरी लेंस, जो कि Sony IMX766 वाला सेंसर होने वाला है, जो कि आपको Realme ने लास्ट ईयर अपने 9 Pro Plus के साथ में दिया था। अब भाई 10 Pro Plus ना Realme का वो डाउनग्रेड हो गया है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं Samsung सेंसर के साथ में, और OIS भी इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन भाई Sony IMX766 सेंसर के साथ में आपको OIS भी Redmi प्रोवाइड करा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके साथ में जो Pro Plus वेरिएंट होगा ना Redmi का Note 12 Pro Plus, वहां पर 200 megapixel वाला बड़ा सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि HPX सेंसर है Samsung का, और भाई यहां से भी आप अच्छी इमेजेस निकाल सकते हो, साथ में OIS यहां पर भी मिलने वाला है, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और भाई 12 Pro के साथ में तो कंफर्म हो गया है कि OIS देखने को मिल रहा है, तो अगर दोनों ही फोन के साथ में OIS मिलता है प्लस हायर सेंसर के साथ में, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो, अब ये जो सेंसर है ना, वो कहीं ना कहीं Redmi और Realme ने पता नहीं कितने बना रखे हैं, हर फोन के ऊपर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपग्रेड करना चाहिए 5 megapixel 12 megapixel के साथ में। और बाकी इन फोन्स के साथ में आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, हेडफोन जैक भी दिया गया है, साथ में NFC भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सारी ही चीजें मैं बोलूंगा वेल बैलेंस है Redmi के Note 12 सीरीज के साथ में। लेकिन भाई फाइनली अब बात करते हैं कि क्या Redmi की Note 12 सीरीज Realme के 10 सीरीज से अच्छी है, क्या कुछ प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी? तो मैं कह सकता हूं कि हां, जो Redmi की Note 12 सीरीज है वो Realme के 10 सीरीज से अच्छी निकल कर आई है, बिकॉज जो
रियलमी का 10 प्रो प्लस है ना, इस बार काफी सारे डाउनग्रेड के साथ में आता है, एक कर्व डिस्प्ले देने के चक्कर में और लंबी बैटरी देने के चक्कर में। बाकी उस फोन में कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम बोल सके कि ऑलराउंडर फोन है, लेकिन रेडमी की नोट 12 सीरीज इस बार कमाल की है रेडमी की नोट 11 सीरीज के मुकाबले, जहां पर जो रेडमी का नोट 12 प्रो होगा ना वो अपने बेस वेरियंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आपको कहीं ना कहीं 20,000 से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। वहीं पर जो रेडमी का नोट 12 प्रो प्लस होगा ना वो आपको 23,000 से 24,000 के प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा अपने 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में। बाकी गाइस बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हो, उससे पहले मैंने कंप्लीट डिटेल दिया है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।